जी आप जी मैडम चले जी आप जी मैं क्यों मैं कैब नहीं चला सकता क्या? आप कैब चलाते हैं? जी यूनिवर्सिटी के बाद पार्ट टाइम। लेकिन वो उस दिन गाड़ी आपकी? हाँ वो मेरे भाई की गाड़ी है, जब दिल करे तो रिक्वेस्ट करके ले आता है। लेकिन मेरे ऐप में तो किसी और की प्रोफाइल शो हो रही है। हाँ वो दरअसल दरअसल उसने मुझे राइड ट्रांसफर कर दी थी। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो चलें? नहीं आप रुक जाएं, मैं दूसरी राइड बुक करवा लेती हूँ। एक मिनट, क्यों क्या आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है? नहीं वो एक्चुअली देखें इस वक्त मैं ड्राइवर हूँ और आपने ये राइड बुक करवाई है, दैट्स इट, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हेलो जी जी मैं पहुंच रही हूँ, बस मैं यूनिवर्सिटी से निकल गई। हाँ ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुझे ना जल्दी काम पर पहुंचना है, आप जरा गाड़ी स्टार्ट करें। श्योर मैम। अगर आप बुरा ना मनाए तो आपसे मैंने एक बात करनी है। किस बारे में? वो उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी बात इतनी बुरी लगेगी। मुझे दूसरों को जज करने का कोई हक हासिल नहीं। इट्स ऑल राइट। लीजिए ले रहे आपकी। कितने का है? 20 रुपए का देगा। नहीं मुझे एक की जरूरत है और जो पैसे बच रहे हैं वो आप रख लीजिए। ने 20 रुपए का पैकेट 100 रुपए में खरीद लिया। मुझे तो इसे एक पैकेट की भी नीड नहीं थी, मेरे पास पहले से टिश्यू मौजूद है। मैंने ये बस उनका भरम रखने के लिए खरीदा था कि वो हमेशा मेहनत करके कमाए, कभी दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए। और वो 100 तो क्या, इससे कहीं ज्यादा हमारी मदद के मुस्तहक है। बिल्कुल ठीक। मैम आपकी लोकेशन पे आ चुके हैं, यही है ना? जी बिल्कुल यही है। थैंक यू। कितने पैसे? जितने दिल करे दे दें, आप भी दे तो खैर। आप यहाँ पे काम करती हैं? डिजाइनर। डिजाइनिंग? मगर आप तो साइकोलॉजी पढ़ रही है ना? तो दरअसल मैंने आपको साइकोलॉजी क्लास में जाते हुए देखा था। मैंने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी। ओह, रियली? अल्लाह हाफिज़।
जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज पावर्ड ऑफ। कैन यू ट्राई लेटर? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अंबर, अंबर उठ भी जाओ, दोपहर हो चुकी है। मामा मैं सुबह ही सोई हूँ, प्लीज लेट मी स्लीप। बेटा दोपहर के 2 बज चुके हैं। मामा मैं रात में ही सोई हूँ, प्लीज। बेटा सबसे पहले तो तुम अपनी रूटीन सेट करो, ये लेट नाइट पार्टीज और देर से घर आना इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और तुम जानती हो तुम्हारे डैडी ही वोंट अलाउ दिस। ओ मामा प्लीज, डैडी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं अभी यूएस से वापस आई हूँ, मुझे वहाँ के रूटीन की आदत है। और वैसे भी मेरे आते ही डैड अपने ऑफिशियल टूर्स पे चले गए, तो वो टाइम ही नहीं देते। बेटा देंगे, तुम्हें जरूर टाइम देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। और कल तुम्हारे डैड आ रहे हैं और तुम्हें पता है वो आते ही तुम्हें साथ अपने ऑफिस ले जाएंगे। बेटा अब वो इनकार नहीं सुनेंगे, अब तुम सुबह उठने की आदत डाल लो और स्टॉप पार्टिंग लेट नाइट। ओके मामा, आप जाए मुझे बेड टी मंगवा दे, देन आई विल वेक अप। ओके बेटा। ओके मामा। नौशीन ये देखो, टेलर ने मेरा सूट खराब कर दिया, सीधा स्टिचिंग। ओह गॉड, टेलर ने तो वाकई आपका सूट खराब कर दिया। मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। नौशीन हमें चाहिए था हम अपना सूट खुद पिक करने जाते, कम से कम उसे 2 बातें सुनाकर तो आते। सीरियसली